है गाइस, वेलकम बैक टू एम ऑटोमेट। आज हम आपके लिए ले गए हैं द ह्युंडई वेन्यू। बात गाड़ी के डिज़ाइंस की जाए तो गाड़ी के डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट में आपको स्टाइलिश ब्लैक क्रोम ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। बात अब गाड़ी के हेडलैम्प फॉर्मेशन की करें तो ऊपर आपको एक लाइट दी जाती है जो कि बेसिकली इंडिकेटर है, और नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए जाते हैं विथ LED DRLs। अंडरनेथ फॉग लैम्प का प्लेसमेंट मिल जाता है विथ स्किड प्लेट, विच लुक्स रियली नाइस एंड क्वाइट अपीलिंग। और अब बात गाड़ी के साइड से की जाए तो साइड से गाड़ी काफ़ी अपीलिंग है। आपको इस गाड़ी में एक क्रेटा का लुक देखने को मिल सकता है। और अब बात इस गाड़ी के व्हील्स की करें तो 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद फ्रंट डिस्क ब्रेक्स एंड रियर ड्रम ब्रेक्स विद साइड फेंडर्स। उसके बाद बॉडी कलर ORV मिल जाते हैं जिसमें यू शेप्ड LED इंडिकेटर माउंटेड है। 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इस गाड़ी में, और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है टाटा नेक्सॉन में 210 mm की। और इस गाड़ी में साइड क्लैडिंग भी आती है जो कि गाड़ी को स्पोर्टी लुक देती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं विद द सिल्वरिश कलर रूफ रेल्स, और बैक में आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के बैक से, तो बैक से भी गाड़ी काफ़ी बॉक्सी है आप देख ही सकते हैं। और इसमें जो रियर साइड से भी आपको स्किड प्लेट मिलती है, साथ में ये है टेल लैम्प प्लेसमेंट इधर किया गया है, और साथ में आपको नीचे रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं। यहाँ पर काइंड ऑफ स्पॉइलर देखने को मिल जाता है जो कि स्पॉइलर नहीं है। उसके नीचे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है, और ठीक उसके नीचे आपको वेन्यू की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अंडरनेथ टर्बो की बैजिंग दी गई है क्योंकि इसमें 1.0 लीटर टर्बो इंजन आता है विद IMT ट्रांसमिशन के साथ। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट की कि वहाँ पर आपको कितनी स्पेस मिलती है, तो लेट्स गो इनसाइड। अंदर आपको 350 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है, और आपको यहाँ पर एक पार्सल ट्रे दिया जाता है। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, और साथ में 60-40 स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन दिया जाता है जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है। अंदर आपको एक इंडिकेशन लैम्प दिया जाता है, और इसके अंदर आपको 15 इंच का स्पेयर व्हील दिया जाता है जो कि रेगुलर व्हील से एक साइज कम है। गाड़ी का बूट बंद, तो फ्रेंड्स चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और देखते हैं वहां पे क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अब गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं कि क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो आपको इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, और साथ में क्रूज कंट्रोल और मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। और आपको यहाँ पे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, और विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। तो बेसिकली गाइस ये है IMT। IMT स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इसमें आपको मैनुअल तो मिलता है गियर बॉक्स, लेकिन जो क्लच है इसमें आपको क्लच नहीं दिया जाता है, वहाँ पर सिर्फ आपको ब्रेक और एक्सीलेटर ही दिया जाता है। बात करते हैं गाड़ी के ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स की साइज डिसेंट है, और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर सन वाइजर प्लेसमेंट दिया गया है जिसमें कोई वैनिटी मिरर नहीं है, और यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स वगैरह और सनरूफ के कंट्रोल से दिए गए हैं। और अब बात इधर साइड के सन वाइजर की जाए तो इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर आपको डे नाइट एडजस्टेबल IRBM मिलता है। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल है, आपको यहाँ पर छोटी मोटी जो स्टोरेज स्पेसेस हैं दी जाती हैं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट में भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। तो अब बात गाड़ी के कंफर्ट की करें तो गाड़ी ओवरऑल कंफर्ट है, सीट का हाई सपोर्ट और रिक्लाइन भी काफ़ी सही है,
और इस सीट को मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है। डोर हैंडल पे आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं और साथ में ORVM के भी कंट्रोल दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं तो लाइट का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बाकी नॉर्मल वही AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर इधर साइड। और आपको दो इसमें USB पोर्ट मिल जाता है और एक साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। फ्रंट एंड रियर दोनों ही डिफॉगर आपको दिए जाते हैं इसमें, साथ में 1000 लैम्प का स्विच भी दिया गया है और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया जाता है और 6 एयरबैग्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पर और देखते हैं वहां से गाड़ी कितनी स्पेसियस है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग। दोस्तों इस गाड़ी की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, रिक्लाइंट इसका काफ़ी अच्छा है और आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी बात है, और आर्मरेस्ट भी दिया जाता है जो कि एक अच्छा बात है, और रियर AC विंड्स जो मिल जाते हैं वो बहुत बढ़िया है। बाकी सेगमेंट की कई गाड़ियों में मैंने देखा है कि वहाँ पर रियर AC विंड्स वो लोग नहीं देते हैं, और साथ में एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया जाता है नीचे। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड कराती है, अगर आप इसमें लॉन्ग डिस्टेंस भी करते हो तो आपको ज़्यादा थकावट नहीं होगी, और इसका जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आपको लाइट प्लेसमेंट दी है, और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि यहाँ पे कोई प्राइवेसी मैश वगैरह नहीं मिलता है आपको, पर हो गया, ये चलता है। अब बात प्राइसेस की करें तो इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइसेस 6.75 लाख से शुरू होकर 11.63 लाख तक की मिल जाती है। अगर इस गाड़ी के बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो बद्रिका हुंडई सतना में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एड्रेस इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।